रहुई प्रखंड के भदवा गांव के समीप 22 मई को महायज्ञ होने को लेकर आज मंगलवार को गांव के पूरब दिशा में भूमि का चयन किया गया है। पूजा अर्चना कर ध्वजारोपण किया गया है। आचार्य विजेंद्र पांडे जो वाराणसी से चलकर आए हैं, उनकी अगुवाई में 9 दिन तक यह यज्ञ चलेगा। उन्होंने कहा कि विश्व कल्याण की शांति के लिए महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। यज्ञ के एक महीने पूर्व तैयारियों को लेकर रहुई प्रखंड के उप प्रमुख राकेश रंजन ने आसपास ग्राम के बुद्धिजीवियों के साथ बैठकर महायज्ञ कराने का निर्णय लिया गया। इस यज्ञ 22 मई से 30 मई तक होगा। प्रत्येक दिन श्रद्धालुओं के बीच तरह तरह का प्रसाद के रूप में व्यंजन बनाकर भंडारा का आयोजन किया जाएगा। इस यज्ञ में देश के कोने कोने से साधु संतों का आगमन होने जा रहा है, जिसको लेकर भदवा गाँव में भूमि का चयन कर कार्यकर्ता यज्ञ की तैयारी में जुट गए हैं। लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का ध्वजारोपण हुआ, जो 22 मई से 30 मई तक ये यज्ञ का पर चलेगा। हेति नारायण आचार्य के द्वारा ये महायज्ञ होगा और ये कितना दिन तक चलेगा? ये 9 दिन तक चलेगा, 22 मई से लेकर करके और 30 मई तक भदवा ग्राम में। इसमें बहुत सारा भंडारा का आयोजन किया जाएगा और वचन होगा, रसलीला होगा, ये सब सारा चीज होगा। यज्ञ 22 मई से 30 मई तक 9 दिनों का यज्ञ है। यज्ञ से अनेकानेक प्रकार के लाभ है। अनादि कालों से भी हमारे भारतवर्ष में हमारे प्राचीन महर्षियों के द्वारा यज्ञ का आवाहन किया गया है। यज्ञ के द्वारा सारे समाज की एकता, एकीकरण किया गया है, धर्म की प्रचार किया जाता है, धर्म का रक्षा किया जाता है। यज्ञ से समाज का जुड़ने का काम यज्ञ करता है।